बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज़ पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 10, चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड टॉपिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, पेज नंबर 6 to 9 एंड लेक्चर नंबर 62। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 के आइन के चीदा चीदा नुकात है वो हम पढ़ेंगे। So first federal constitution, then written constitution. Federal constitution क्या होता है students? जब powers distribute हो, divided हो between the center and the provinces, this is called federal constitution. एक होता है एक centralization of power होती है, जबकि मरकज़ अपने तमाम इख्तियार अपने पास रखता है और सूबों को वैसे इख्तियार नहीं देता। सूबाई ख़ुद मुख्तारी उसमें नहीं होती, लेकिन उसके अगेंस्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वफाकी आइन होता है। इसकी खासियत ये होती है कि फेडरेटिंग यूनिट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनमें डिवीजन, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। फिर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के पास अपना एक डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। बरतानिया में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट्री कैरेक्टर है, पार्लियामानी निज़ाम है। यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जो होता है वो पार्लियामान उसको इलेक्ट करता है। वो इलेक्टेड बंदा भी होता है, फिर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली उसको इलेक्ट करती है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरबराह हुकूमत होता है। इसके बरक्स सदारती निज़ाम होता है जिसमें सदर जो है वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होता है, जो मामलात की सरबराही है वो देखता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट दोनों होता है। जबकि पार्लियामानी निज़ाम में जो वज़ीर आज़म है वो हुकूमत का सरबराह होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो ये एक दो ऐवानी मकन्नना है, ठीक है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाता है, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन बेसिस पे होती है, जबकि जो अपर हाउस होता है सेनेट जो कहलाता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन फेडरेटिंग यूनिट्स पे होती है, और वहाँ पे जो सूबे होते हैं उसमें यकसा ये सीट्स तकसीम होते हैं सेनेट के। तो रिप्रेजेंटेशन जो है लोअर हाउस में पॉपुलेशन बेसिस पे होती है। जैसे पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पंजाब की सीट ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट सिंध है, सिंध के ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी आबादी दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पर केपी है, उनके ज़्यादा सीट्स होंगे नेशनल असम्बली में, फिर लास्ट में बलूचिस्तान है जहाँ पर उनकी आबादी सबसे कम है, तो उनकी सीट्स भी कम होंगे। जबकि इसके बरक्स सेनेट जो अपर हाउस है पाकिस्तान का, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो चारों सूबे की यकसा होगी। पंजाब जैसे बड़ी सूबे की भी, बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबे की, साथ यकसा सीट्स होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में फिर इक्वल होती है। इस्लामिक क्लॉजेस जो इस्लामी शके हैं वो पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक है, जैसे राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आइनी तरमीम है या तब्दीली है, वो 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है दोनों हाउसेस की, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आज़ाद अदलिया, जैसे कहा जाता है कि जस्टिस ऑलवेज गारंटीज पीस, हमेशा आज़ाद अदलिया ही स्टेबिलिटी गारंटी करती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको रखा गया है आज़ाद अदलिया को। डायरेक्ट इलेक्शन है, बराह रास्त इलेक्शन होंगे, लोग वोट देंगे अपने नुमाइंदों को और वो जाके पार्लियामेंट में फिर अपना रोल प्ले करेंगे और यहाँ पर लॉ मेकिंग करेंगे, कानून साजी करेंगे इस लेजिस्लेचर में, पार्लियामान में। फिर नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, स्किप्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, अंडर द आता है एन एवानी ज़ीरी, नेचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन।
लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के जानब जाएँ कि पाकिस्तान में जो आईनी एक तारीख़ है कि किस तरीके से आईन बने हैं, तो हम हमारे अब तक अब हमारे पास अब तक तीन कॉन्स्टिट्यूशन मेन आए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में, फिर सेकेंड 1962 एंड थर्ड करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास कोई अपना आईन नहीं था। हम एक डोमिनियन स्टेट थे, हम रिपब्लिक स्टेट नहीं बने थे, जमहूरिया नहीं बने थे। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल में ही बना लिया था, 1950s में उन्होंने अपने 1950 में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, पाकिस्तान ने 1935 का एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को एज एन इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन अबूरी आइन अपनाया। फिर 12 मार्च 1949 को पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, और ये गाइडलाइंस बनी हमारे आइंदा के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। और फिर इनके बेस पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 में, और पाकिस्तान रिपब्लिक बना उस दिन जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मुल्क में नाफिज हुआ। फिर मार्शल लॉ में वो एब्रोगेट हुआ, ठीक है, और उसके अंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाई 7 अक्टूबर 1958 को। फिर उनके बाद जनरल अयूब खान जब आए 1958 में, और वो एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो फिर वहाँ पे उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर 1969 में जनरल यहिया खान ने जो वहाँ पे एक मार्शल लॉ लगाई। फिर इसी तरीके से 1970s में इलेक्शंस हुए, और फिर 1970s के इलेक्शन के बाद जहाँ पे सेसेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, उन 1970 के इलेक्शंस के नतीजे में जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान में लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बने, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग उभर के आई। और इस तरीके से दोनों में फिर पावर ग्रैबिंग के लिए एक लड़ाई हुई, और जिसके नतीजे में 1971 का वॉर लड़ा गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस तरीके से दिसंबर 1971 में डी बेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, और फिर जो बाकी मानदा वेस्ट पाकिस्तान हमारे पास रह गया, उसकी उसका जो इक्तदार था वो यहिया खान रिज़ाइन कर गए और इक्तदार संभाल लिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। पहले सीएमएलए बने, उन्होंने 25 मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, एमएनएस थे, उनके कमेटी बनाए जिसने सिफारशात दिए, और उन सिफारशात के नतीजे में फिर ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये बना। ओके, तो हम इसके जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे फिर, और ये स्ट्रक्चर आप देख लें। प्रेसिडेंट है, सदर होता है, तो ही मस्ट बी मुस्लिम ओवर 40 ईयर्स, मस्ट साइन ऑल द प्रेजिडेंशियल ऑर्डर्स एक्चुअली फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर और साइन करेगा सदर। फिर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट है, सरबराह है मुमलिकत होता है, सेरेमोनियल हेड होता है, जो सेरेमनीज में इनके फंक्शन जो रियल में है पावर्स, वो प्राइम मिनिस्टर ही एक्सरसाइज करता है। ओके, सेपरेट जुडिशरी है, इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स, फेडरल एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, ये भी आपने पीछे पढ़े। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पावर्स इमरजेंसी पावर्स होते हैं इनके पास, कैन इशू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, अपॉइंट्स चीफ जस्टिस हु ओवरसीज जुडिशरी, रिस्ट्रिक्शन मेल मुस्लिम इलेक्टेड फ्रॉम नेशनल असेंबली, ये इनकी शराइत है। फिर जो काबीना बनाता है वो भी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। फिर पावर्स हैं, एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, ये जो कैबिनेट होती है ये एडवाइज करता है वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ इशूज़ पे। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सिर्फ एडवाइस ही करता है, रियल फिर जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर इस्लामिक कमेटी एडवाइज ओनली ऑन लेजिस्लेशन, ये जो इस्लामिक कमेटी है ये मशवरा देती है जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, चारों असम्बलियाँ पंजाब, सिंध, NWAP, बलूचिस्तान के। फिर टू हाउसेज हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो सेनेट अपर हाउस कहलाता है,
मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करता है सेनेटर्स को, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वल होती है। नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉपुलेशन बेस पे होती है। पावर्स क्या है? ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, कानून साजी करती है। रिस्ट्रिक्शन शरायत है 5 ईयर्स के लिए, ये इलेक्शंस हर 5 ईयर्स के बाद होते हैं, 5 साल के बाद। इसका टेन्योर जो है नेशनल असेंबली का वो कितना होता है? वो 5 साल का टेन्योर इसका होता है। और फिर एडवाइस करता है, एक तो ऑटोमेटिकली जब ये अपना टेन्योर पूरा करता है तो नेक्स्ट इलेक्शन फिर निगरान सेटअप के नीचे कराए जाते हैं। लेकिन अमूमन ऐसे तो नहीं होता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस कर सकता है कि वो जो इलेक्शंस है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मुल्क हंगामी हालत में है, तो फिर ऐसे में वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करता है और वो इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। आगे हम डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सो इन अप्रैल 1972 मार्शल लॉ वॉज लिफ्टेड, अ नेशनल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वॉज इन्फोर्स्ड। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एक्चुअली? इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच अ स्टेट और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। आइन क्या होता है? ऐसी उसूलों का और कवायद का ऐसा मजमूआ जिस पे एक मुल्क या फिर कोई तंजीम चलाई जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। पीछे हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, बैकग्राउंड पढ़ा 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अप्रैल 1972 प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, अबूरी आईनी हुक्मनामा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फिर इशू किया। जो ज़ीडे भुट्टो थे, ठीक है, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी नया नहीं बना था, पिछला जो था वो एब्रोगेटेड था, तो इसलिए उन्होंने पीसीओ जारी की, ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अ कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड विच कंप्राइज 25 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। फिर एक कमेटी तश्कील दी गई कौमी असम्बली के मेम्बरान पे जो मुश्तमिल थी, कंप्राइज थी, मुश्तमिल थी, और इसकी तादाद कितनी थी? 25। ये इलेक्टेड एमएनएस थे, मेंबर्स थे, नेशनल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स थे, अराकीन थे, तमाम जो बड़े सियासी जमातें पाकिस्तान में थी। द कमेटी वॉज टास्क विथ ड्राफ्टिंग अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अब इस 25 मेंबर्स कमेटी को ये टास्क दिया गया, ये काम दिया गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुस्तकिल आइन जो है वो मुल्क को दें। तो इसके लिए फिर गौर वहोश हुआ। सो पाकिस्तान्स न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव द कंट्री अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन फेडरल एंड पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। तो अब जब ये नई जमहूरी हुकूमत आई मार्शल लॉ के बाद, तो इसने मुल्क को एक पहला कंसेंसस बेस्ड मुत्तफिका आइन दिया, ठीक है, और जिस ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वफाकी और पार्लियामानी उसूलों पर ये रखा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा गया, वफाकी तर्ज हुकूमत रखा गया, जहाँ पे इख्तियारात डिवाइडेड थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया, अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 1962 के आइन में हमने देखा कि सदारती निज़ाम रखा गया, ठीक है, और यहाँ पे इस करंट 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामानी निज़ाम रखा गया। सो इट वॉज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फीचर क्या था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखा गया, अनलाइक द ब्रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज अ रिटन डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास एक तहरीरी फॉर्म में एक आइन मौजूद है। अगर हम जिक्र करें बरतानिया की, तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उनकी ट्रेडिशन पे बेस करके, रिवायात और कस्टम्स पे बेस करके उनका अपना एक आइन है जो तहरीरी फॉर्म में नहीं है। इंडीड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक स्टेट। सो यकीनन ये आइन जो था ये एक इस्लामी जमहूरी रियासत का आइन बना, ठीक है। इस रियल सेंस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक इस्लामी जमहूरी रियासत कायम की।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री बाइकैमरल लेजिस्लेचर वॉज और पार्लियामेंट वॉज एनविसेज्ड। पहली मरतबा मुल्क की तारीख में दो ऐवानी एक मुकन्नना अपनाया गया या फिर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एक ही टर्म्स हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, यूज़ होते हैं, मुकन्नना उर्दू में कहते हैं इसको। और यहाँ पे दो हाउसेस रखे गए, नेशनल असेंबली जो लोअर हाउस कहलाता था जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो थी वो पॉपुलेशन बेस पे थी, जबकि अपर हाउस जो था वो सेनेट कहलाया जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वली चारों जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको इक्वली उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है सेनेट में। वॉज इनविसेज, इस पर गौर किया गया मतलब और फिर अपनाया गया इसको। रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामान का जो ईवानी जीरी है लोअर हाउस है छोटा हाउस है, कॉल्ड द नेशनल असेंबली इसे कौमी असेंबली कहा जाता है, वॉज मेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो नुमाइंदगी है वो आबादी की बुनियाद पे दी जाती है। जैसे पंजाब जैसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से तो उनकी सीट ज़्यादा होते हैं कौमी असम्बली में, तभी तो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर पंजाब से इलेक्ट होता है। वाल द अपर हाउस जबकि सेनेट कहलाता है अपर हाउस है वाने बाला ये सेनेट कहलाता है, हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द फोर फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस, तो जो ऐवान बाला है सेनेट इसमें यकसा नुमाइंदगी दी जाती है तमाम चारों सूबों से, यूनिट फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस, ये फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंस एक ही टर्म है सूबों के लिए यूज होता है, तो सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है यहाँ पे सेनेट में, जबकि नेशनल असेंबली में ये पॉपुलेशन बेस पे है, जिस सूबे की ज़्यादा आबादी होगी उसके नुमाइंदे कौमी असेंबली में ज़्यादा होंगे। ओके, सो द प्रोविंसेस वर इंश्योर्ड सर्टेन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि फेडरलिज्म रखा गया है, फेडरेशन है पाकिस्तान यहाँ पे, तो इन सूबों को खुद मुख्तारी मिली है, बस स्पेशली 18 अमेंडमेंट के बाद तो मुकम्मल खुद मुख्तारी मिल चुकी है अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ऐसा निज़ाम रखा गया जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, तीन लिस्ट रखे गए, फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट पे वफाकी हुकूमत कानून साजी करती है, फिर कॉन्करेंट पे दोनों करते हैं और प्रोविंशियल पे सिर्फ सूबाई हुकूमतें हुकूमत साजी करती हैं। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ड्राफ्टेड बाय एन इलेक्टेड बॉडी विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री वाज इनफोर्स इन द कंट्री ऑन अगस्त 14, 1973। ये जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का आईन है ये इलेक्टेड बॉडी कौमी असम्बली की जो इलेक्टेड बॉडी है जो लोगों ने मुंतखब की थी उन्होंने मुत्तफिका तौर पे तमाम जो बड़े सियासी जमातें थी उनकी मर्जी से उनके इतफाक से एक आइन दिया मुल्क को और मुल्क में ये नाफिस किया गया, इन्फोर्स किया गया, कब? 14 अगस्त 1973 को। स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है रिपब्लिक, रिपब्लिक एक ऐसी रियासत होती है जहाँ का सरबराह मुमलिकत इलेक्टेड हो, वो कोई किंग या क्वीन ना हो, तो ऐसे रियासत को रिपब्लिक कहते हैं। जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे लव्स टर्म यूज़ हुआ है किंगडम, इसका मतलब है वो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे किंग या क्वीन जो होता है वो सेरेमोनियल हेड होते हैं और उनकी ट्रेडिशन पे बेस करते करके उन्होंने उनको एक मुकाम दिया हुआ होता है, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक रिपब्लिक है या ये जमहूरिया है, यहाँ पे कोई क्वीन या किंग नहीं होगा बल्कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी एक इलेक्टेड शख्स होगा। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीदा चीदा खसूसियात हैं 1973 के आइन के वो पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अहम जो खसूसियात हैं चीदा चीदा खसूसियात हैं 1973 के आइन के, तो नंबर वन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, जो वफाकियत का एक उसूल है वो एडहेयर किया है अपनाया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। इट अप्लाइज टू ऑल द प्रोविंसेस, फोर प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री, ये चारों सूबे जो हैं मुल्क के वहाँ पर लागू होता है अलॉन्ग विद द फेडरल कैपिटल, जिसमें
जो वफाकी दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ है फाटा, जो अब ज़म हो चुकी है केपी में, मर्ज हो चुकी है केपी में, एंड नॉर्दर्न एरियाज़ और जो शुमाली इलाका जात है, ये सारा जो है ये फेडरलिज्म है। मतलब तमाम प्रोविंसेस, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ट्राइबल एरियाज़ थे फाटा, जो अब मर्ज हो चुके हैं केपी में, और अब ये सूबों के पास है केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के पास है फाटा, और इस तरीके से नॉर्दर्न एरिया जो शुमाली इलाका जात है, तो ये फॉर्म करती है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरलिज्म। और इसके एक यूनिक फीचर ये भी है कि यहाँ पे जो पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। के नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अनलाइक द ब्रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान हैज़ अ रिटन डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उनके पास कोई तहरीरी शक्ल में कोई आईन नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कैरेक्टर। सो पार्लियामानी निज़ाम अपनाया गया है, जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा सदर, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामानी निज़ाम में जो मजबूत शख्स होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो वज़ीर आज़म होगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ पार्लियामेंट्री कैरेक्टर। यहाँ पे एक पार्लियामानी कैरेक्टर रखा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, जो वज़ीर आज़म होता है वो सरबराह हुकूमत होता है, इज़ अ मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट, वो मेंबर होता है पार्लियामान का, कौमी असेंबली का मेंबर होता है, एंड इलेक्टेड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो उसको इलेक्ट मुंतखब किया जाता है कौमी असेंबली में, ठीक है, पहले स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर, और इस तरह फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है कौमी असम्बली में, और वो जवाबदेह भी है इस पार्लियामेंट को, इस मकन्नाना को, इस लेजिस्लेचर को। लाइक वाइज द कैबिनेट, फिर इस तरीके से जो काबीना, कैबिनेट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो तश्कील देता है प्राइम मिनिस्टर, ये उसके सवाबदीद पे है, ये उसके पावर्स में है कि वो अपने लिए एक काबीना बनाए, और वो काबीना मुश्तमिल होगी पार्लियामेंटेरियंस से, मतलब वो भी इलेक्टेड लोग होंगे, और जो इलेक्टेड नहीं होंगे उनको मुआवन खसूसी कहा जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। सो द लेजिस्लेचर कॉल्ड द पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल, जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट मुकन्नना कहलाता है, और ये दो ऐवानी मुकन्नना रखा गया है 1973 के आईन में, दैट हैज़ टू चैम्बर्स आर हाउसेस, इसके दो ईवान होंगे, चैम्बर्स या हाउसेस एक ही टर्म है, ईवान होंगे, रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस का द नेशनल असेंबली इज़ ऑन पॉपुलेशन बेसिस, जो नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन होगी ईवानी ज़ीरी में, जो नेशनल असेंबली कहलाती है, ये पॉपुलेशन बेसिस पे होगी, आबादी के लिहाज से होगी, जैसे पंजाब का एक बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो उसके नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट्स होंगे, नशस्तें होंगी, फिर उनके बाद सिंध है उनके ज़्यादा होंगी, फिर केपी है, और लास्ट में बलूचिस्तान, जो आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है पाकिस्तान का, तो उसकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में कम होगी। While representation in the upper house called Senate is on basis of federating units, जबकि जो अपर हाउस है, जो सेनेट कहलाता है, उसमें जो नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, वो किस बुनियाद पे, बेसिस पे होगी, फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस के इक्वल सीट्स होंगे, जैसे पंजाब जैसे बड़े और बलूचिस्तान जैसे छोटे आबादी के लिहाज से सूबों के यकसा सीट्स होंगे, इसी तरीके से केपी और सिंध की भी यकसा सीट्स होंगी। ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स और प्रोविंसेस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट, तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स या सूबे होंगे उनके यकसा सीट्स होंगे इस सेनेट में, ईवान बाला में। इस्लामिक क्लॉजेस, जो इस्लामिक शके हैं, सो बीइंग एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कंट्री, यहाँ पे जो इस्लामी शकें हैं वो रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी इस्लामिक क्लॉजेस, बहुत सारे इस्लामी दफात या शके शामिल है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ऑब्लिज्ड टू बी मुस्लिम्स, जैसे कि वज़ीर आज़म और सदर का
मुसलमान होना लाजमी है, ओब्लाइज्ड है, ठीक है। इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। दूसरा, अगर हम देखें तो जो सरकारी मजहब है ये हमारे मुल्क का, वो इस्लाम है। द कंट्री इज़ ऑफिशियली नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुल्क सरकारी तौर पे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेशन इन दैट कंट्रोडिक्ट्स द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, वो कानून साजी, वो लेजिस्लेशन जो मुतसादिम होगी, कंट्रोडिक्ट्स करेगी द टेनेंट्स, जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, इस प्रोस्क्राइब, वो भी क्लियरली उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा बाय द इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल इज फॉर्म्ड, और इसके लिए एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनाया गया है जो सजेशन देगी हुकूमत को कानून साजी के लिए, और देखेगी कि कोई कानून तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है या इस्लामी उसूलों के खिलाफ नहीं है। अगर होगी तो उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी और पावर ऑफ स्टेट। अच्छा, यहाँ पे ये लफ्ज़ इक्तदार आला है। इक्तदार आला जो है वो अल्लाह के लिए अफर्म्ड रखी गई है, उसको तस्लीम किया गया है कि सारी यूनिवर्स पे जो इक्तदार आला है, हुकूमत करने का जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला का है। आफ्टर अमेंडमेंट्स अ फेडरल शरिया कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। फिर एक तरामीम के ज़रिए जो वफाकी शरी अदालतें हैं वो कायम की गई, ठीक है, और ये ज़िया के दौर में आपने पढ़ा है, कायम की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मेड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली से पास किया गया था, इसको 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कादियानीज वो डिक्लेयर नॉन मुस्लिम। कादियानीज जो हैं, जो कि एक सेक्ट है, एक फिरका है, इसको बिल्कुल बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया कि ये नन मुस्लिम्स हैं। कादियानीस कौन है स्टूडेंट्स? ये वो लोग हैं, वो फ़िरका है जो कि ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखती और कहती है कि जो नबूवत का सिलसिला है वो जारी है, तो इसलिए इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हैं जो बुनियादी हकूक हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। जो बुनियादी हकूक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकोगनाइज किया है, इसको तस्लीम किया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बाकायदा तौर पे जगह है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से हैं? लाइफ, राइट टू लिव है, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थाट, एक्सप्रेशन, स्पीच, ये इजहार राय की आज़ादी, ठीक है, हुकूमत को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये सारे ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पाकिस्तान में रहने की आज़ादी, राइट टू मूवमेंट। द लेजिस्लेचर इज डिनाइड एनी राइट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन दैट कंट्रवीन्स दीज फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसे ऐसा कोई हक नहीं दिया गया कि वो लोगों के बुनियादी हकूक के से मुतसादिम कोई भी लॉ बनाए, कोई कानून बनाए। तो पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कानून नहीं बना सकती। इनेक्ट मीन कानून बनाना, कि जो कंट्रवीन करती है, जो मुतसादिम हो इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आइनी तरामीम है, किस तरीके से तब्दीली की जा सकती है आईन में, तो उसका भी तरीक़ेकार है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी पार्लियामान के किसी भी हाउस में, या नेशनल असेंबली या सेनेट में, ये अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो आईनी तरमीमी बिल है, ये पेश किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे अगर कोई ज़रूरत है तब्दीली की तो उसमें लाई जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम लॉ, इसको कानून बनने के लिए इट विल नीड टू बी पास बाय एटलीस्ट 2/3, दो तिहाई, 2/3, दो तिहाई अक्सरियत, मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है ईच हाउस में, हर हाउस में, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। इसको पासिंग के लिए दो तिहाई अक्सरियत, टोटल मेंबरशिप की चाहिए होगी हर हाउस के।
इसे सादा अक्सरियत भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर रिजिड नर वेरी फ्लेक्सिबल। हमारा जो 73 का आयन है ये ना तो बहुत सख्त है ना फिर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लचकदार है, बल्कि सीमी रिजिड है। ओके स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो अदलिया की आज़ादी है उस पर बिलीव रखती है, और इसमें ज़मानत दी गई है अदलिया की आज़ादी की कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, जो आइन है वो ज़मानत देता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी को। इट लेज डाउन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, इसका एक बहुत सख्त एक तरीक़ेकार है, to be followed in the appointment and removal from services of the judges of the superior courts, जो superior courts के जो आला अदलिया के judges हैं उसकी तैनाती और उनकी जो हटाया जाना है, removal है सर्विस से, मुलाजमत से, उसका तरीक़ेकार बड़ा सख्त है। ठीक है, हुकूमत एक रेफरेंस भेजती है कंसर्नड एक मुतालिका जज के ख़िलाफ़, अगर वो कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई मेंटल उसे प्रॉब्लम है, तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़, अगर करप्शन में वो इन्वॉल्व है तो हुकूमत उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस फॉरवर्ड करती है, भेजती है, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्वेस्टिगेट करती है कि आया जो मजकूरा जज है वो इन्वॉल्व है या नहीं, तो फिर वो सज़ा वही दे सकता है। कोई हुकूमत उसको हटा नहीं सकती जज को, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जज को हटा सकती है। डायरेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, सो डायरेक्ट इलेक्शन बराह रास्त जो इंतखाबात हैं, द नेशनल असेंबली एंड ऑल द प्रोविंशियल असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल का दौरानिया होता है उसके लिए जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान और कौमी असम्बली के मेम्बरान है उसको मुंतखब किया जाता है डायरेक्ट वोट के ज़रिए, बराह रास वोट के ज़रिए, और ये कौन करता है, ये लोग करते हैं, अवाम इलेक्ट करते हैं इन मेंबरान को, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान को बराह रास लोग इलेक्ट करेंगे। इलेक्शन टू दीज असम्बलीज आर थ्रू डायरेक्ट वोट्स, और इन असम्बलीज नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जो इलेक्शंस इंतखाबात होते हैं वो डायरेक्ट वोट बराह रास लो वोट के ज़रिए होता है। देन नेशनल लैंग्वेज, सो उर्दू इज़ रिकग्नाइज द नेशनल लैंग्वेज, जो उर्दू है वो उसको रखा गया है कौमी ज़बान के तौर पे, इसको तस्लीम किया गया है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, लेकिन साथ साथ आइन ने ज़मानत दी है कि जो मकामी ज़बानें हैं, इलाकाई ज़बानें, उसको भी प्रमोट किया जा सकता है, और वो प्रमोट हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो स्टूडेंट्स है, ये पहला कंसेंसस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वाकई में अगर इसके स्पिरिट पे अमल किया जाए तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सूबों और मरकज़ दोनों को और आवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उसको साथ लेके जा सकती है।